तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस में। देखो, हम लोग आईपीसी पढ़ रहे थे, ठीक है। और आईपीसी में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिए, चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे, ठीक है। इसमें धारा हम लोग देखेंगे 53 से लेकर 74 तक इंपॉर्टेंट धारा है, लगभग 3 धारा के आसपास है। सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कवर करना हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक्चुअली हम किसके बारे में बात करेंगे अभी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। देखो, इससे पहले मैंने पॉलिटी जो आईपीसी वो मैंने शुरू की है, मूल विधि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 1, 2, 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका, ये चौथा लेक्चर है, ठीक है। बाकी आप पॉलिटी पढ़ना चाहें तो लेक्चर पॉलिटी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैथ्स की भी बनी हुई है, हिंदी की भी बनी हुई है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर जाकर एक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है। तो हम लोग बात करेंगे आईपीसी के। बहुत अच्छे चैप्टर मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। ये वीडियो का अपलोड होता है सुबह 9 बजे अपलोड होता है, ठीक है। सुबह 9 AM पर अपलोड होगा और ट्राई करूँगा कि अगले वीक में यानी नेक्स्ट वीक में आईपीसी पूरी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। आईपीसी ख़त्म हो जाएगी तो फिर सीआरपीसी 2-3 लेक्चर की है तो बढ़िया बढ़िया लेकर के उसको भी ख़त्म कर। बच्चे कह रहे थे सर लेक्चर का टाइम बढ़ा दीजिए, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें। अभी तो जैसा चल रहा चलने दो, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पार्ट बाय पार्ट करनी है। फिर बाद में एक मैराथन ले लेंगे, 2 या 3 घंटे की एक मैराथन हो जाएगी। लाइव सेक्शन खोल ले दो तो मैराथन एक ले लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा पूरा कवर कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वैसे आईपीसी यदि ढंग से पढ़ाएंगे तो 5 घंटे की आईपीसी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वह एक्चुअली दंड के बारे में बात करता है। किसके बात करेगा? दंड के बारे में। अब जैसे तुम जानते हो कि भैया ये जो आईपीसी वो सेक्शन जो है वो केवल दंड के लिए आता है, सीआरपीसी दंड के लिए नहीं आता, ठीक है। तो इसमें दंड की वैरायटीज बहुत है, ठीक है। कितने प्रकार के दंड है ये हम लोग देखेंगे। और ये क्या है? धारा नंबर 53 क्या बोलती है? वो दंड के प्रावधान। चैप्टर नंबर 3 एक्चुअली दंड के हैं और चैप्टर नंबर 3 में जो धारा 3 है उसमें बताया गया दंड के प्रकार। धारा 3 में बताया गया दंड के प्रकार, कितने प्रकार के दंड होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे ना तो दंड के मैक्सिमम जो होते हैं वो लगभग 6 प्रकार के दंड होते हैं। 6 प्रकार के दंड को इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे पहला जो दंड है वो आप जानते हैं मृत्यु दंड होता है। क्या होता है पहला? क्या होता है? मृत्यु दंड। दूसरा क्या होता है? आजीवन कारावास। दो तो आप जानते हैं। तीसरे प्रकार अब दंड क्या होता है भाई? नॉर्मल से दंड आप समझो। तीसरे प्रकार का क्या होगा भाई? जुर्माना हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जुर्माना लगा सकते हैं। चौथे प्रकार का दंड क्या हो सकता है? चौथे प्रकार का दंड हो सकता है भाई कारावास। देखो, एक तो होता है आजीवन कारावास और एक होता है कारावास, ठीक है। इसको समझिएगा, कारावास दो तरह का होता है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। और एक होता है जिसे पांचवा नंबर हम देखेंगे, दंड दासता। ये पहले चला करती थी, अब इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, दंड दासता खत्म कर दिया। और एक होता है छठा नंबर होता है संपत्ति का अधिग्रहण बोल ले, ठीक है, या संप्रहण बोल ले, कुछ भी बोल ले, संपत्ति का संप्रहण बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अरे कहते नहीं है भैया, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे विजय मान लिया वो भाग गए, भगोड़ा कहलाए, तो उनकी संपत्ति क्या होगी? उनकी संपत्ति गवर्नमेंट क्या कर लेती है? जब्त कर देती है, ठीक है। तो वो होता है संपत्ति का संप्रहण। तो ओके, तो ये एक्चुअली क्या होते हैं? 5 प्रकार के दंड होते हैं, जिसमें से जो दंड दासता है ना वो पहले खत्म कर दी गई। वो बहुत पहले लगा करते थे ना कि यदि ऐसा दंड जो किसी की गुलामी करना हो गया कि भैया तुमको 6 महीने की दंड दी जा रही, तुम इनकी गुलामी करोगे, इनके घर का पूरा काम करोगे, वो दंड दासता कहलाते थे। अब वो लागू नहीं होता क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो चुका है। पहला होता है मृत्युदंड, आप सभी जानते हैं। धारा कौन सी लगती है आप जानते हैं, ठीक है, बहुत बार पिक्चर में देखा। आजीवन कारावास आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीवन भर कारावास होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। आजीवन कारावास कितने साल का होता है ये जरूर बताना, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है आजीवन कारावास कितने साल का होता है। और फिर होता है जुर्माना। तो भैया जुर्माना क्या होता है? 6 महीने में 6 महीने की सजा, या फिर 1,000 का जुर्माना, साल भर की सजा, या फिर 10,000 का जुर्माना, ऐसा होता ना, जुर्माना दे दो या फिर वो कर लो। जैसे चालान हमारा होता है वो एक तरह का क्या है? जुर्माना ही है। और फिर बात करते हैं स्पेशल कारावास की, बात करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कारावास क्या होता है। दो कारावास, कारावास एक्चुअली दो तरह का होता है। एक तो होता है साधारण, क्या होता है? एक तरह का, एक तरह साधारण होता है, और एक होता है कठोर कारावास, ठीक है। एक होता है साधारण कारावास और एक होता है
कठोर कर्व, दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो एक कठोर, कठोर कठोर में क्या होता है भैया, आपसे पत्थर तोड़वाएंगे, आपसे चक्की पिसवाएंगे, यही होता है कठोर। और एक साधारण कारावास होता है जिसमें नॉर्मल सी चीज़ें आपसे होती हैं, नॉर्मल सी चीज़ें की जाती हैं, तो ये होता है कारावास। तो इसको याद रखना, आप भी सकता है कारावास क्या होता है, कारावास की परिभाषा क्या होती है, कठोर कारावास क्या होता है, साधारण कारावास क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई धारा नंबर 53, ठीक है। देखो बहुत बच्चे कह रहे थे सर लेंथ बढ़ा दो, यार देखो लेंथ बढ़ाने का क्या है, अब देखो ये जैसे चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत यूट्यूब पर क्या करते हैं इसी चैप्टर नंबर 3 को 1 घंटे तक पढ़ाया करते हैं, तो आप चाहे 1 घंटे पढ़ लो, चाहे आप 15 मिनट पढ़ लो, बात तो वही है ना, है नहीं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को क्या करता हूँ, पूरा समेट देता हूँ, तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। 1 घंटे क्लास देखने से तो अच्छा है आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे दिए और काम हो जाएगा आपका। अब देखते हैं धारा नंबर 53 तो हमने देख लिया, धारा नंबर 73 को देखते हैं। अब बीच में कहेंगे और सर इसके बीच में 20 धारा का इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए हटा दी हमने, ठीक है। धारा नंबर 53 क्या बोलती है, वो बोलता है एकांत, क्या बोलता है, एकांत परिरोध। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो बहुत लोग तो इसका मीन जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, जानते तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती। एकांत परिरोध का मतलब होता है जब एक व्यक्ति को अकेले काल कोठरी में डाल दिया जाता है, मतलब अकेले रखा जाता है, वो होता है एकांत परिरोध। उसको इसलिए रखा जाता है कि तुमने जो गलती की है उसको बैठ के सोचो विचारो, तुमने ये गलती क्यों की है। और ये हर एक सजा में होती है। अब इसकी कंडीशन ज़रा देखेंगे, ये तो हो गया एकांत परिरोध जो बोलता है वो धारा नंबर 53 के यानी धारा नंबर 73 के अंदर बात करता है। और इसमें कंडीशन होती है कि किसी भी कैदी को 3 माह से अधिक कभी भी एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता, ठीक है। 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता, 3 माह ही दिया जाएगा। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, यही खेल है असल। तो एकांत परिरोध का मतलब होता है, परिरोध होता है, इसका मतलब ये होता है जब किसी कैदी को अकेले काल कोठरी में रखा जाता है, किसी कोठरी में रखा जाता है तो एकांत परिरोध कहलाता है। इसकी कंडीशन अब देखते हैं, तो धारा 73 किससे संबंधित, एकांत परिरोध से, ठीक है। अब हम देखते हैं धारा 73 में ही अब एकांत परिरोध कितनी बार और कितनी तरीके से लगता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को 6 माह की सजा हुई है, क्या हुई, 6 माह की सजा हुई है किसी व्यक्ति को, 6 से 1 वर्ष के बीच में, 1 ईयर का हुआ, 6 से 1 साल का, ठीक है। और किसी को 1 साल से अधिक की सजा हुई है, तो हमने बोला मैक्सिमम क्या होगा भाई, 3 महीने तक ही इसको एक साथ रखा जा सकता है। यदि छः महीने की सजा हुई है ना, तो एकांत परिरोध जो होगा वो 1 महीने का होगा, क्या होगा, 1 महीने का, ध्यान समझना, अभी भी इसमें मैं चीज़ों को कोट करेंगे। और यदि एकांत परिरोध क्या बोलते हैं, सजा दी गई है किसमें, 6 से 1 साल भर के बीच में, तो 2 माह का, ठीक है। और यदि 1 से अधिक साल के लिए है तो वो क्या होगा, 3 माह का होगा, क्या होगा, 3 माह। इसमें देखो कंडीशन है, इसमें कंडीशन है क्या है भाई, कि किसी भी कैदी को 1 बार में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता एकांत परिरोध में। किसी भी कैदी को 1 साथ 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, ठीक है। इन दोनों केस में 14 दिन तक रखा जा सकता है, पर जब यदि ऐसा कोई केस आएगा, यदि 3 महीने की सज़ा मिली है, तो जो एकांत परिरोध होगा ना वो 7 दिन का होगा। अब ये चीज़ें आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी, शायद किताबें आप ढूंढेंगे तो शायद आपको ना मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें ही ऐसे ही क्वेश्चन निकाल करके आपसे पूछता है और आप फंस जाते हैं, यार हमने एकांत परिरोध तो पढ़ा है पर एकांत परिरोध की कंडीशन ही नहीं पढ़ी। तो उस कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं समझाता हूँ कि यदि 6 माह की सज़ा दी गई है तो उस व्यक्ति को 1 महीने अलग रहना पड़ेगा, पर उस 1 महीने में कंडीशन है कि 14 दिन से अधिक नहीं, मतलब वो 6 महीने में 14 दिन तक क्या कर वो उसको रख सकते हैं। आप चाहे तो वो 6-7 दिन रखें या फिर इकट्ठा 14 दिन उसको रख दें, वो उनकी इच्छा है। फिर इसी प्रकार जब 6 से 1 साल के बीच में होगा, 1 साल लिखा होगा, ठीक है, 6 से 1 साल के बीच में यदि सजा मिली है तो 2 माह के लिए होगा, 2 माह में भी क्या होगा, 14-14 दिन के लिए उसको अलग रखा जाएगा। फिर इसी प्रकार 1 से अधिक माह के लिए, यदि 1 से अधिक साल के लिए किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो वो किसके लिए रखा जाएगा, वो हमेशा मैक्सिमम 7 दिन ही रखा जाएगा। ये नहीं कि आप उसको 14 दिन के लिए ठोस दो, नहीं कर सकते, क्योंकि
समय अवधि क्या है, ज्यादा है। अब 3 महीने मतलब 90 दिन हो गए। अब 90 दिन उसे एकांत प्रतिरोध में रहना है, पर इकट्ठा आप 14 दिन उसको नहीं डाल, क्योंकि शेड्यूल लंबा है। अभी 14 दिन इस महीने डाल दिया, अगले महीने फिर 14 दिन डाल दिया, तो बच्चा क्या, बच्चा नहीं बोलूंगा, मतलब कैदी डिप्रेस हो सकता है पूरी तरह से, समझे कि नहीं, डिप्रेस, क्योंकि भाई अकेले रहना 14 दिन तक आप झेल नहीं सकते, किसी से बात नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना है, तो आप नहीं कर सकते। अब बहुत सारे कैदी होते हैं जिनको जो बहुत ढीठ होते हैं, वो अलग चीज़ है, वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो जेल वार्डर का मुद्दा है, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है ये कंडीशनें समझ रहे हो, ये कंडीशन बताना बहुत जरूरी था, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बस इसमें एक ही थी। अब धारा 74, यदि हम धारा 74 की बात करेंगे तो धारा 74 में यही चीज आइडेंटिफाई दी है जो मैंने ये बताया है ना, ये है धारा 74 में, 74 में, धारा 74 में यही सब चीज़ें बताई दी गई हैं कि 3 महीने से अधिक यदि सजा मिली गई है तो उसे 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा एकांत प्रतिरोध में। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में बस इतनी चीज़ है कि देखो, इसीलिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ, जिससे आपको जो परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर उठाकर के वहाँ से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर से मैं देख लेता हूँ, चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने धारा 53 पढ़ी, हमने धारा 73 पढ़ी और धारा 74 पढ़ी। 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं, दंड के प्रकार बताए गए हैं, और इसके बाद बताए गए हैं एकांत, एकांत परिरोध इसमें बताया गया है, और इसमें उसी की एकांत परिरोध की सीमा बताई गई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 में इतनी सारी कंडीशनें यहाँ पर इन्वॉल्व की गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आईपीसी का सेक्शन है, आराम आराम से चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर सुबह 9 बजे मिल जाता है, वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कर देना, बस इतना ही करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में चलेंगे, ठीक है। परेशान मत हो ना, जिनको बहुत लंबा पढ़ना है परेशान मत हो, एक दिन मैराथन बना करके पूरी डाल दूंगा एक साथ, तुम एक ही दिन पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे पढ़ना चाहते हो। पार्ट बाई पार्ट पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, और यदि लंबा रहेगा तो फिर मुझे खींचना होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा खींचने की आदत नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ को मैं बार बार, जैसे लास्टिक नहीं होती, लास्टिक को बार बार खींचना वो मुझे पसंद नहीं है। लास्टिक को मैं एक ही बार खींचता हूँ, बार बार खींचने की मुझे आदत नहीं। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बार बार रिवाइज करवाया है कि आपको तुरंत ही अभी के अभी याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, बस एक बार वीडियो फिर दोबारा देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि आईपीसी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करना है।